की है उसके बोर्ड को खोलना है, उसमें क्या इशू होता है, जैसे मशीन में कोई चलाते हैं क्या होता है कभी कभी हीट से काम नहीं करता, टेम्परेचर वही रहता है समझे, टेम्परेचर वही रहेगा, हीटर आपका काम नहीं करेगा, कभी हीटर काम नहीं करेगा तो क्या इशू होता था, कभी कभी क्या दिखा देता है इसमें क्या होता है, ये फ्यूज वाला फ्यूज होता है, जो ये फ्यूज कभी फिर जाता है आपने ज़्यादा कोई फ्यूज आ गया कोई दिक्कत आ जाता है, जब ये फ्यूज हो जाता है आपने फ्यूज चेंज करना है, पहले टेस्टिंग करके मीटर मल्टीमीटर आता है चेक करेंगे उससे किस तरह से ये खराब है सही है, फिर दूसरा फॉल्ट बताओ, पहले इसके फॉल्ट के बारे में जान लेते हैं किधर लग रहा है, इसको इधर से ओपन कर लेंगे सब, ये फ्यूज ठीक है, हीटर में कभी इशू आ जाता है तो बोल दो चेक करेंगे, हीटर के कारण होते हैं कि हीट आपका नहीं होता है तो दोस्तों ये हम देख रहे हैं अभी हीटर की जो प्रॉब्लम आती है मशीन में, तो हीटर अगर हीटिंग नहीं होती है तो उस पर क्या क्या कैसे हमको डिटेक्ट करना है प्रॉब्लम को, तो ये किस तरह से इसे ओपन करना है सिंपली देख सकते हैं इसे, जैसे कि इसमें फ्यूज है कभी आपके पास फ्यूज नहीं होता, ठीक है, कभी आपके पास फ्यूज नहीं होता, ये फ्यूज नहीं होगा तो आप डायरेक्ट नहीं चला सकते, कुछ दिन चलाओ, क्योंकि कुछ दिन इसलिए चला सकते हैं कि आपका हीटर नहीं तक खराब होने लगा है, तो फ्यूज़ लगाना जरूरी है, कभी भी दिक्कत आपने हीटर पे दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी दिक्कत आ सकती है फ्यूज़ पे आएगी, और फ्यूज़ क्या करता है कि कंट्रोल मशीन को चलाता है, एक कंट्रोलर है इसका, ये कंट्रोलर क्या कि ओवर हीट नहीं हो सकती मशीन, अपने उसी टेम्परेचर पर अपना हीट करती रहेगी, अब क्या है कभी कभी ये भी होता है कि मशीन ओवर हीट कर रही है, कि अब कोई पार्ट में कोई दिक्कत आ जाती है, फ्यूज़ ख़राब हो गया, ओवर हीट करनी चालू कर दी, अब फ्यूज़ ख़राब हो गया तो मशीन हीट नहीं कर रही, तो ये सारी चीज़ें भी इसमें देखने को मिलती हैं, अब ये क्या है इसमें इसकी बात कर लेता हूँ मैं, इसमें क्या कभी कभी तुम्हारा क्या होता है टेम्परेचर पूरा नहीं होता, मशीन हीट होती है कि वो ये दिखाता है टेम्परेचर 32, 33, 32, 33, 140 बस इसी पे कंट्रोल आके रुक जाता है, ये रुकने का कारण क्या होता है, ये ब्लैक वाला वायर जो होता है इसमें एक फ्यूज होता है, फ्यूज होता है, फ्यूज होने के बाद दिक्कत आ जाती है इसमें, और भी तरीके हैं कि कभी कभी हीटर काम नहीं करता तो इसमें पैनल में भी दिक्कत होती है, पैनल में बता दूंगा मैं, जैसे सीकर इधर आपने ये लगाना है फ्यूज लगाना है आपकी मशीन में, तो इस तरह से आएगा, इस तरह से फ्यूज लगाना है आपने, इसका इसमें कनेक्शन करना है और इसको इसमें कनेक्शन करना है, ठीक है, इसको इसमें कनेक्शन करोगे और एक एक जो है एक जो आता है इसमें इस तरह से कनेक्शन कर दिया आपने, ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला एक इधर रहेगा, बस एक इधर रहेगा, ठीक है, ये तो इस तरह से हो जाएगा, इसका तो समझ गए, ये हीटर होता है, इसे भी चेक कर सकते हो मल्टीमीटर से लेके, दोनों को चेक करोगे कि पावर सही है कि नहीं, ऐसे कभी कभी फल भी जाता है टूट भी जाता है आपने, ठीक है, इस पर हाथ नहीं लगाना है, खुजली हो जाएगी नहीं तो, इस पर विशेष ध्यान रखना, कभी खुजली हो जाए आपके हाथों में तो इसको हाथ नहीं लगाना, इसमें क्या है ये वाली गूंज का भी ध्यान देना, कभी कभी आपने टूट जाती है, अंदर से टूट जाती है कि कभी हीट नहीं करता, तो हीट के कारण ये भी हो सकता है, पर जब पता है कब ये प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम जब आएगी आपने कि काफ़ी टाइम चला दिया, एक साल चला दी कंटिन्यू चला रहे हो मशीन, जब दिक्कत आ सकता है, वैसे रेस्ट भी दे सकते हो, आपने 6 घंटे मशीन चला दी, 1 घंटा आपने रेस्ट दिया, क्योंकि ये भी तो मशीन है, इसका तो समझ गया, फिर आ जाता है पैनल का बात करिए, तो ऐसे ही नीचे है इसके लिए, नीचे भी ऐसे ही है, सेम एसी की कंडीशन है, सेम ऐसे इसका वायर भी कर सकते हो। तो दोस्तों ये हमने जाना हीटिंग, अगर कोई प्रॉब्लम आती है हीटिंग में तो किस तरह से हीटिंग की जो प्रॉब्लम डिटेक्ट होती है, तो ये फ्यूज़ के साथ में कंटिन्यू हमको कैसे करना है, इसको ओपन कैसे करना है ऊपर के पार्ट्स को, और हीटिंग जो पैनल आपने देखा हीटिंग किया उसे किस तरह से सॉल्व करना है वो भी हमने बताया, तो इस तरह से वीडियो में से आपको हम इस तरह से रिपेयरिंग की कंप्लीट सेशन आप दिखाते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो में आपको। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए फिर से पैनल जो होता है 3D मशीन का, तो उस पैनल के रिगार्डिंग, अगर पैनल की जो प्रॉब्लम्स होती है जो कि डिस्प्ले शो नहीं करता है कभी कभी,
डिस्प्ले ऑन होता है मशीन, बट डिस्प्ले हमें टाइमिंग सही से शो नहीं करता है, टेम्परेचर शो नहीं करता है, तो उसके रिगार्डिंग हम फिर से आपको वीडियोज़ में लेकर आएंगे। दोस्तों वीडियो को देखते रहिए और लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से कंटिन्यू ट्रेनिंग का हिस्सा बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू दोस्तों, विजिट एंड कीप वॉचिंग और यूट्यूब चैनल।